हेलो व्यूअर्स, एनजी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं बार बेंडिंग शेड्यूल एक्सेल शीट में कैसे बनाते हैं। बीबीएस बनाने का जो बेसिक फॉर्मेट है वो भी इसमें बताया जाएगा, और बीबीएस बनाने में प्रयोग में आने वाले जो एक्सेल फार्मूला है वो भी इसमें बताए जाएंगे एग्जाम्पल के साथ में, और किसी भी स्टील बार का यूनिट वेट कैसे निकालेंगे वो भी इसमें बताएंगे। तो बीबीएस के बारे में यानी कि बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी स्टेप बाय स्टेप और एग्जांपल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक इसका जो बेसिक फॉर्मेट है वो बनाया है, इसके अंदर में लगभग बेसिक चीजें जो है वो सभी आ गई है। तो सबसे पहले इसमें देखिए टॉप में है प्रोजेक्ट नेम, यानी कि प्रोजेक्ट का जो भी नाम होगा वो यहाँ आ जाएगा। ब्लॉक, टावर या एरिया, इसमें से जो भी इसके ऊपर अप्लाई होगा वो यहाँ आ जाएगा। एड्रेस जो होगा वो यहाँ आ जाएगा। एजेंसी की डिटेल यहाँ आ जाएगी। हेड वो किस हेड के अंदर है वो यहाँ आ जाएगा। फ्लोर लेवल वो यहाँ आ जाएगा, और गेट यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद आप देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इसमें सीरियल नंबर, सीरियल नंबर 1 2 3, सिंपल 1 2 3 4 5, मैं अभी यहाँ पर टाइप कर दिया। दूसरा है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वो चीजें जरूर डालनी चाहिए जिससे कि उस चीज को समझने में काफी आसानी हो जिसके लिए आप ये शेड्यूल बना रहे हैं। साइज, जो भी उस मेंबर का साइज है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। बार टाइप, बार टाइप के अंदर बार टाइप मार डालेंगे वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, टॉप है, बॉटम है, एक्स्ट्रा है, और भी जो भी है वो सब डिटेलिंग इसके अंदर में आ जाएगी। फिर डायमीटर ऑफ बार्स, यानी कि बार का डायमीटर क्या है। तो अलग अलग डायमीटर्स के बार होंगे, जो भी होगा वो आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। अभी हम इस पर 20 तक का लिया हुआ है, तो 8 mm है, 10 mm है, 12 mm है, 16 mm है और 20 mm। तो इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, फार्मूला सेम है। तो अभी आपको हम यहाँ प्रैक्टिकली बताएंगे, फिर आपको जैसी जरूरत हो ले जाए। तो डायमीटर ऑफ बार्स मैं यहाँ पे 8 mm ले भी चलता हूँ। नंबर ऑफ बार्स, नंबर ऑफ बार्स में दो हेड है, एक देखेंगे आपके लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये देखेंगे आप, ये है डायमीटर ऑफ बार्स। तो ये लेफ्ट साइड और एक है राइट साइड। लेफ्ट वाले में मैं डालूंगा कि सपोज मेरे पास ऐसे ही 4 आइटम है, सेम आइटम, कोई बीम हो सकता है, कोई कॉलम हो सकता है, और उस एक कॉलम में मैंने अभी माना कि मेरे 8 सरिये, तो यानी कि टोटल कितने पीस हो गए, 8 में है और 4 है, यानी कि 8 × 4 ये 32 पीसेज हो गए, कितने हैं उनके 8 mm। शेप और बार, शेप और बार भी देखिए, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ कोई भी शेप ले लेता हूँ। ये एग्जाम्पल के लिए शेप है 200, उसकी चौड़ाई है 300 लंबाई, फिर 200 चौड़ाई, फिर 300 लंबाई, और ये भी उसने हुक दे दिए 80-80 की। अब कट लेंथ, इसकी जो कटिंग लेंथ है वो क्या है, हमने सबको जोड़ देंगे। तो हमने सभी को सिलेक्ट करा और हम ऑटो सम फंक्शन यूज करेंगे। ऑटो सम करा तो ये टोटल कर दिया है। अब ये टोटल आ गया एमएम में, इसे हमने चेंज कर देना है मीटर में ताकि आगे कैलकुलेशन में आसानी हो। तो हम क्या करेंगे, इतना डिवाइडेड बाय 1000, डबल क्लिक, और मैं एक बार ये फार्मूला आपको ये देखिए सम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया। तो अब जो वैल्यू आएगी वो मीटर में आएगी, और एंटर कर दिया। अब इसको हम यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस डी, नीचे तक ये फार्मूला अप्लाई हो गया। अब आइए यहाँ पे वेट निकालेंगे हम। यहाँ पे आपको मैं दो चीज बताऊंगा, एक तो उसकी लेंथ, लेंथ के साथ साथ में वेट, यानी कि दोनों चीजें इस एक फार्मूले के अंदर होंगी। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ, तो देखिए अब आप टाइप करेंगे इफ, इफ अब आपने करना है इसको सिलेक्ट करना है सेल जहां डायमीटर ऑफ बार है। If, यानी कि ये है, अभी देखें आप देख रहे होंगे E7,
ना E7, ये आप देखेंगे, देखिए E, और इधर आप देखेंगे हाईलाइटेड है 7, E7 हमने करा, इफ इसको सिलेक्ट करा E7, E7 को सिलेक्ट करा तो वो क्या हो, यहाँ स्टार्टअप से चलते हैं, अगर वो हो हटाना तो हम क्या करेंगे, दिस इनटू दिस इनटू कटिंग लेंथ के ऊपर फार्मूला ओवरलैप हो रहा है, तो मैं अभी एक बार फार्मूला को इनको ब्रेक दे देता हूँ, देखिए ब्रैकेट क्लोज और एंटर, क्योंकि मुझे इसकी विड्थ बढ़ानी है ताकि फार्मूला ओवरलैप ना कर पाए, ये मैंने इसकी विड्थ बढ़ा दी है। मैं दोबारा से इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ और फिर से इसी ब्रैकेट के अंदर आ रहा हूँ, देखिए फिर से इनटू कट लेंथ, एक पीस की कट लेंथ ये आ गया, यहाँ तक ये टोटल लेंथ बता देगा स्टील बार की 8 mm का सरिया और 1160 mm के लंबे, जब 32 पीस आप काटेंगे तो कितना लंबा चाहिए, देखिए अगर मैं इसे एंटर करूँ ये देखिए इतना चाहिए, कितना 37.12 क्या मीटर। अब इसका वेट भी इसी हमने निकाल देना है, तो अब हम यहाँ पे इसका यूनिट वेट ले आएंगे, फिर से मल्टीप्लाई क्या होता है यूनिट वेट, पाई आर स्क्वायर इनटू एच, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब हम इसको इसकी जो डेंसिटी है 7850 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7850 क्या है, 7850 पर क्यूबिक मीटर ये डेंसिटी है स्टील की, तो अब हम चलेंगे यहाँ पर पाई, ये पाई कर दिया हमने इनटू आर स्क्वायर, आर यानी कि डाय कितना है 8, रेडियस कितना हो गया 4004, आर स्क्वायर है 004 इनटू एच इनटू डेंसिटी 7850, यहाँ पर ये हमारा फार्मूला वेट के लिए तैयार हो गया। अब मैं एक बार ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, फिर से हमें इसमें एक चीज डालनी है वो आपको पहले दिखा देता हूँ, तब एक शॉट का होगा, अब मैं एंटर कर देता हूँ, ये हमारा वजन आ गया 14 किलोग्राम 647 ग्राम। अब देखिए जब मैं इसको नीचे पेस्ट करूंगा तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा, ये देखिए ये ना आए, इसके लिए अब हमें क्या करना है, दोबारा फार्मूले में जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर कॉमा और हमें यहाँ पर एक ये मार्क दे देना है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ डैश आ जाएगा, ये देखिए अब मैं इसे नीचे भी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है ये वाला मार्क, आप अपनी जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोबारा एक बार फार्मूले को देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए एंटर कर देता हूँ, ये हो गया हमारा 8 mm के, ये सब पर अप्लाई हो गया है पूरी सेल्स के ऊपर। अब देखिए हमें ऐसे ही 10 का करना है, ऐसे ही 12 के लिए, ऐसे ही 16 और ऐसे ही 20, क्योंकि क्योंकि अगर हम इसे ड्रैग करेंगे तो ये सेल आगे हो जाएगी, और हम इसे फ्रीज करते हैं तो उसमें कई बार दिक्कत आ जाती है, तो हम दोबारा से फिर इसी को कर रहे हैं, फिर देखिए एक बार प्रैक्टिकल करा देता हूँ, दोबारा फिर इसको ड्रैग करना है, फिर से इक्वल टू, फिर से हम इफ यूज करेंगे, इफ टाइप किया इफ, फिर से वही E7, अगर यहाँ पर आप कितना हो, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला 10 हो तो हम क्या करेंगे कॉमा दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू, फिर वही ये तो इसकी लेंथ आ गई, अब इसका यूनिट वेट भी इसी के अंदर कैलकुलेट कर देते हैं इंटू पाई, फिर हमने पाई को चल दिए, पाई का ब्रैकेट क्लोज इंटू आर स्क्वायर, आर यानी कि अब हमने जो डाया लिया है वो 10 का लिया है, तो इसका आर हो जाएगा 5, आर स्क्वायर हो गया इंटू एच इंटू इसकी डेंसिटी 7850, और फिर से हमने ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ये आ गया 10 का, इसे भी हम नीचे तक कंट्रोल डी, ऐसे ही 12 का, देखिए एक बार आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको आसानी हो,
फिर से इफ टाइप करेंगे, इफ फिर से वही इक्वल टू कितना, और यहाँ पर देखिए ऊपर कितना है 12 लिखते हैं 12 रन। तो हम क्या करेंगे दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू, ये तो लेंथ आ गई, फिर वही पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये आ गया पाई ब्रैकेट क्लोज इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर 12 है तो 6 हो गया 006 इंटू 006 इंटू 1 इंटू 7850 कॉमा और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसे भी हम नीचे पर ले आते हैं और ये अब देखिए ट्राई करते हैं फार्मूले को। इसको भी मैं नीचे तक कंट्रोल प्लस डी कर देता हूँ, इसे भी कंट्रोल प्लस डी और इसे भी यहाँ पर कंट्रोल प्लस डी। यहाँ 8 था, अब मैं देखिए यहाँ पर 10 एमएम इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पर 12 एमएम अपने अपने सेल में वो वे बता रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसे व्यू कर सकते हैं।